अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूल को बड़े बलून से और लंबे बलून से भर दिया गया है। ये देखें जी, लंबे बलून जो है ना कितने ज्यादा है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये हमारा अड्डा हुआ करता था किसी दौर में, इधर आके हम वीडियो वगैरह अपलोड किया करते थे। अभी घर इंटरनेट लग गया हुआ है तो घर अब हमारी वीडियो अब अपलोड हो जाती है। तो ये भाई मुकरम के गांव का एरिया है, तो यहाँ पे मेला है। इधर हमारे अदनान भाई की शॉप है, माशाल्लाह मेसू लगा के बैठे हुए हैं। आजकल अदनान भाई से भी हमारी कम ही मुलाकात होती है, हमारा काम अब घर में ही हो जाता है तो अदनान भाई के पास आना कम ही होता है। और इधर हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इस तरफ झूले लगे हुए हैं। तो ये जो जंपिंग वाला ना, ये जिसपे बच्चा लगा हुआ है, तो अभी पे जाके ना थोड़ा एंजॉय करेंगे। बाकी सारे झूले जो हैं बंद हैं, मेले से एक दो दिन पहले या मेले वाले दिन ही ये चालू होंगे। सबसे पहले इस झूले पे ना झूला लिया जाएगा। वो दिल घबराहट है पे दे। सही बात है, मीठा बोल। आज जितनी देर तक है बंद नहीं होना, तो उतर रहना। ओए नहीं भाई, गरम है। ओए हाथ ना लाना एकदम मेरे ऊपर। लग गया सिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मजा आया। हंस हंस के ना हालत खराब हो गई है। मुझे बस यही डर है कि ये भयंकर ऊपर से ना मेरे ऊपर गिर जाए। तेज हो, तेज। भाई कह रहे हैं जितने मर्जी पैसे दे दो, क्योंकि अभी मेला शुरू नहीं हुआ ना, तो अभी रेट को फिक्स नहीं है। खुशी से जितने भी दे दो। हाय हाय, आयो आयो भाई, गरम ओए। हमारी नाजुक कलियां, इनका दिल घबरा गया हुआ, अभी कलाबाजी लगा के दिखाएंगे ये। ओए चले जे भाई, चल आ जे। सही है। जबरदस्त जबरदस्त। अरे पूरा जान। सिर तो आ चुके, सिर जगाओ थोड़ा। नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूल को बड़े बलून से और लंबे बलून से भर दिया गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज्यादा बलून हैं। तो बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, बच्चों के साथ उनके बड़े भी आ चुके हैं। और यार काम करो, बच्चों ने भी बलून्स भरने में काफी ज्यादा मदद की है, क्योंकि छोटे छोटे पंप थे तो उनकी मदद से बलून्स में हवा भरी गई है, आप देख सकते हैं। और अगर यही हवा मुंह से भरनी पड़ती ना, तो फेफड़ों ने जवाब दे जाना था। अभी चलाई जाएगी जी मोटर, चला दो जी मोटर। पानी आने लगा है बाहर, ये बलून फटेंगे अभी, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा ना पानी का। नहीं, बलून तो साइड पे हो गए, ये सही हुआ। बलून जो है ना पानी के बहाव से दीवार के साथ जाके लग चुके हैं। तो कल की ही बात है भाई, मुदस्सर ने ना इधर से पूल जो है तोड़ दिया हुआ। यार बड़ा बलून फटा। तो इधर से पूल की दीवार जो है तोड़ दी हुई है, क्योंकि पूल के अंदर पानी जमा हो जाता था जब हम फिर घर चले जाते थे ना इधर से, तो बच्चे जो है वो आते थे और इधर ऊपर चढ़ के ना नीचे छलांगे लगाते थे। तो ये था कि किसी के बच्चे को कोई मसला ना हो जाए। अगर किसी के बच्चे को कोई मसला हो जाता ना, तो नाम हमारे ही लगना था कि इनके पूल में ही हुआ है मसला। तो इसलिए भाई मुदस्सर ने पता क्या किया, इधर से दीवार तोड़ दी ताकि पानी जो है ना स्पीड में बाहर निकल जाया करे, पूल के अंदर पानी ना ठहरे। तो अभी जो है ना तोड़े और ईंटे वगैरह लगा के उस सुराख को बंद किया।
दिल भाई मुबशर अपने खेत का ताज़ा ताज़ा खीरा जो है ना वो उतार के लेके आए हैं। खाएं खाएं आप ना हो रहा है, ये देसी खीरे हैं जी अपने खेत के अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी जी भाई को इधर ना शहद की मक्खियाँ मिली हैं, उन्होंने अपना खग्गा इधर लगाया हुआ है, देखें ये अभी ताज़ा ताज़ा ही लगाया हुआ है इन्होंने ना, छोटी मक्खी है ना, ये बड़ी मक्खी नहीं है ना। और ये इधर अपना देसी खीरा माशाल्लाह, इसको खाने का मज़ा जो है ना वो क्या ही बात है माशाल्लाह। ये अपने केले के दरख्त हैं और माशाल्लाह केले भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा केले लगे हुए हैं यार। जितने जितने बड़े साइज़ के केले लगते हैं ना हमारे केले के दरख्त पे, उतने साइज़ के केले मार्केट से पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में इतने इतने साइज़ के केले मिलते हैं भाई साहब, बड़े बड़े केले, केला खाओ आपका पेट फुल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पूल जो है पानी से काफ़ी भर चुका है और बलून जो हैं ऊपर तैरना शुरू हो चुके हैं। बच्चों को पूल से निकाल दिया है क्योंकि बच्चे जो है ना बलून फाड़ना शुरू हो गए थे, तो जब एक दफा पूल फुल हो जाएगा ना फिर बच्चों को अंदर एंटर करेंगे। ये देखें जी लंबे बलून जो है ना कितने ज्यादा है यार, और ये फ्लेक्सिबल भी अच्छे खासे। इस बलून को ना जनाब 1,00,000 रुपया मिलना चाहिए भाई, दसों का वजन इसने बताओ। खाना खाया हो मैंने तो मेरा 70 किलो वजन है, अगर खाना ना खाया हो तो 69.5 किलो होता है। अभी मैंने खाना खाया हुआ है तो मतलब 70 किलो मेरा वजन है। तो देखते हैं ये बलून मेरा वजन उठा पाते हैं कि नहीं। ये मेरा उठा लिया हुआ है, उठा लेते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा, उठा लेते हैं ये इतने से बलून। अगर थोड़े से मजीद और ऐड किए जाए उठा लेते हैं यार। ऊपर है और मैं तैर रहा हूँ पानी में, पांव पीछे करें, पांव पीछे करें, ये आगे आसान है, आगे आसान है। नहीं यार मैंने किया हुआ है, ये लो मैं तो घूम गया, घूम जाता बंदा। उठा लेते हैं, मुझे लगा नहीं था कि ये वजन उठा पाएंगे, ये पानी में उठा लेते हैं ये वजन। चलें भाई अब छुट्टी बहुत हो गया, घर चलेंगे अब, मेरी वेट भी ज्यादा ना, बच्चों की कमर थोड़ी कम है, अब करना क्या चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा अहमद के हो गए, ये देखें जी अहमद पूरा बलून्स का किंग बना हुआ है, वाओ सर पे बलून्स, कमर पे बलून्स, हाथ के पैर, यार क्या बन गए हो मुझे आप, और मुझे तो आपने देखा ही नहीं, देखे मुझे भाई दसा ने क्या बना दिया है भाई साहब, मेरे पेट पे बलून्स हैं, छाती पे बलून्स हैं, क्या है तोड़ी गैर, ये जी कश्ती गई पानी में। चलो वो देखे वो क्या बना हुआ है यार, वो बलून्स बांधते ही जा रहा है, ये जो बलून्स बांधे हैं देखते हैं क्या ये तैरने में मेरी हेल्प करते हैं कि नहीं। लेट्स सी, मोटर बंद कर दी है भाई ने, करते हैं मदद, ये जहाँ जहाँ पे बंधे हुए हैं ना यहाँ यहाँ मदद करते हैं ये। ओह रस्सी अहमद ने बनाई है मेरे लिए कि चाचू कहीं डूब ना जाए, ओ तेरी गैर यार, इतनी लंबी रस्सी बना दी है अहमद ने, अहमद खींच लो प्लीज मुझे, ये देखे कितनी लंबी रस्सी बनाई है बलून्स की अहमद ने,
अहमद मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, खींच लो अहमद प्लीज, अक्के चाचू डूब ना जाए कहीं। वाओ थैंक यू, संडे का एंजॉय कर लिया है, अभी चलते हैं घर। ये देखते हैं ना पूल में पानी खड़ा है, तो अभी नीचे से जो सुराख किया हुआ है ना वहाँ से पानी को निकाल देंगे बाहर। खोल लो जी, ये अभी पानी ऐसे निकल जाएगा पूल के अंदर से और पूल हो जाएगा खाली, तो बच्चे जो है ना ऐसे ही बलून के साथ गल जाएंगे अभी, और बच्चों के साथ बच्चों का चाचू जो है ना वो भी ऐसे ही जाएगा। आ जाओ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा नन्ना मुन्ना सा प्यारा बेबी भी देखें कैसे बलून से सज धज के आया। वाह चलो जी, इधर बहिरा की तरफ देखें, वो आगे आगे अबीर जा रही है। ये देखें अहमद क्या बना हुआ है और अबू जर क्या बना हुआ है, इतने इतने ज्यादा इन्होंने बलून अपने साथ बांधे हुए हैं यार। पीछे से देखे क्या लग रहा है बुजर और अहमद देखे पीछे से क्या लग रहा है। ये जी अहमद ने अपने बलून्स उतार के इधर रख दिए हैं। ये लो अहमद और भी लो, अभी सबसे बड़ा चैलेंज है इनको उतारना। ये उतारने हैं, फाड़ने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोपहर का खाना तो पुलाव बनाया गया है दोपहर के खाने में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने एंजॉय किया हो, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।